चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। ये बेबी क्रिकेट हम मैच खेलते हैं, लाहौर से बाहर में एक ग्राउंड पड़ता है। ये जब हम मैच खेल लेते, दीपांशु ने यहाँ से ईट उठाई और यहाँ से हम खड़े थे, वहाँ से भाग कर आया वो, हम जैसे बैट ले रहा था, पहले ईंट मारी फिर बैट छिनाया, जो ईंट मारी थी वे पड़ी वहाँ से, जो उसके बोलते लगी एक, जब उसकी ईंट लगी उसके बाद वो भगा, और भगने के बाद जब इधर को भागा वो, जब उसके पीछे बल्ला लेकर भगा तो इधर की साइड वो भगा, उसकी चप्पल भी मौजूद नहीं है, ये उसकी चप्पल पड़ी है, इधर को कूद गई की तरफ को भागा है जान बचा, और उसके पीछे ही भागता रहा वो, अभी भी उसकी चप्पल एक यहाँ पड़ी है, एक आगे पड़ी होगी उसकी, ये यहाँ का कब्रिस्तान है, सभी खेलते हैं, कोई एक समुदाय का लोग यहाँ से नहीं खेलता, मुस्लिम दलित सभी खेलते हैं यहाँ से। क्या हुआ था उसके साथ? क्रिकेट खेलते हुए किसी कुछ लड़के ने जिम बाहर से आया। कौन लड़के? दीपांशु कुमार, दीपांशु सर ने, दीपांशु शर्मा, उसने मारी गई, मारपीट की, जातिवाद पे आ गए, उसने कहा कि मैं पंडा तो सरकार मारी है, अब चमारों को बाहर निकाल निकाल के मारेंगे, गोली मारेंगे, उसने गोली मारने का धमकी दी, और मेरे पीछे लड़के भागे, मैं ईंट के द्वारा ईंट खड़ी थी, उसमें बच के भागा, मेरी चप्पल भी वप्पल समय पड़ी है। आपको पीटा है उन्होंने? जी, उसने बहुत ज़्यादा पीटा, चोट काफ़ी लग रही है रीढ़ की हड्डी में, और दर्द बहुत ज़्यादा है, ईंट मारी थी और कोहनी में भी लग रही है। घर आने के बाद में जो उस लड़के ने जो यहाँ पे पूछताछ हुई, जो चार आदमी थे अच्छे बड़े बड़े, तो उन्होंने उसके साथ उनके साथ में बदतमीजी सी थोड़ी पेश आया, और फिर जो ये लड़का था सोनू, वो सोनू भी वहाँ पे आने के बाद उसे देख के, और उस लड़के ने दीपांशु ने उसके अंदर फिर दो तीन गुट मारे, बल्कि उसने गोली मारने की भी उसने बात कही थी कि तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो घर से बाहर मत निकल जाए, नहीं तो सालों गोली मार दूँ एक कक में। यहाँ पे कट्टे बंदूक लेकर आए हैं, यहाँ से हॉकी वॉकी होती है, बेसबॉल का जो डंडा से होता है वे लेकर आए। चोट कहाँ था? चोट ये देखो, ये सब हाथ में लग रही है, हाथ में ये काटा हुआ है, इसके लिए काटा हुआ है। कितने लोगों को चोट आई है? चार लड़कों को। चार लड़कों? इससे पहले भी कभी हुआ है ऐसा? इससे पहले उसने काफ़ी पहले हरकत करी है, हमने इग्नोर कराया उसे, हमने बिछाने की सोची, इससे पहले भी दो तीन बार कमेंट पास करी है उसने, पुलिस प्रशासन जब हमने कार्रवाई की करी जब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे बड़े थे वे गए, हम जब हमने बताई अपनी बात को भी हमारे साथ गए पुलिस चौकी में, और तो पुलिस वालों ने इस चीज़ के लिए कहा तो ज़्यादा भीड़ भीड़ को बाहर करो नहीं तो लाठी लाओ, एक प्रकार झूठी तलाशी दी है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो तो आगे आप क्या करोगे? हम अपने मांग जरूर उठाएंगे, अगर जो हमारे साथ नहीं, अगर जो हमारे समाज के साथ किसी के साथ भी उत्पीड़न होता तो उसकी आवाज़ हम उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। फैसला वहाँ पर मैं चौकी में गया था, ये लड़के सब दोस्त हैं, फ्रेंड ही हैं हमारे, केटी में झगड़ा हो गया था, वहाँ पर चौकी में चला गया, बात हो रही थी कुछ इनकी फैसले के बारे में बात हो रही थी, तो जो हमारी जो इनके वहाँ पे मदर भी थी, चाची भी थी, वो भी हमारी चाची लगती हैं, सबको चाची बोलता हूँ मैं, तो उनसे उनने बदतमीज शब्द बोले। पुलिस वाले वहाँ पे तीन खड़े थे, किसी ने भी उसे ये नहीं कहा कि तू भाई मोमडन के बारे में या ऐसे अफवाह मतलब बातें क्यों कर रहा है। यो साहब को भी उसने मेरे सामने ये कहा था कि तुझे कुर्सी जमीन बाहर फेंक दूँ उठा के, यो एक अधिकारी है, उसको भी ये बोला संगीत सोम का हाथ है, जो मर्जी वो करेंगे, फुल बीजेपी का सपोर्ट है, कि बोलता है कि लावड़ का छोटा छोटा विधायक हूँ मैं, लावड़ का, ये बोलता हूँ अपने आपको। ये जो सारा मामला दिखाई दे रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के आने से जो हिंसक लोग हैं, जो भगवा का आतंकवाद दिखाई देता है, भगवा रंग का जिसे कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि दलितों और मुस्लिमों और जो भी विचारधारा उनके अगेंस्ट है, चाहे अम्बेडकर राइट्स हो, चाहे और किसी को मानने वाले लोग हों, उनके खिलाफ हिंसा की जाए और उन्हें दबाया जाए, और इन्हें ना पढ़ने दिया जाए, ना लिखने दिया जाए, ना खेलने दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें देखने में आ रही है।